मैं तुमसे मिलने आई हूँ। अफसोस करना है? उसके बाद सीधा किस हुए? इतनी हेल्प की मेरी? मैं नहीं आऊंगा। गली में घूमेगा एक नया सलमान। क्या होगी मूवी की स्टोरी? क्या ये मूवी होगी किसी मूवी की रिमेक? सलमान खान ने तेरे नाम मूवी में अपने परफॉर्मेंस से सभी का दिल जीत लिया था। सभी ने इस मूवी को काफी ज्यादा पसंद किया था। इस मूवी में हमें सलमान खान के अपोजिट भूमिका चावला दिखी थी। भूमिका ने इसी मूवी से बॉलीवुड इंडस्ट्री में डेब्यू किया था। ये एक इमोशनल रोमांटिक मूवी थी। इस मूवी ने सभी व्यूवर्स को काफी इमोशनल कर दिया था। इस मूवी में हमें सलमान खान का एक अलग अवतार देखने को मिला था। इस मूवी में सलमान एक ऐसे इंसान नजर आए थे जो किसी से लड़ाई होने के चलते अपना माइंड खो बैठते हैं और पागल हो जाते हैं। अब उम्मीद ये लगाई जा रही है कि इस बार भी हमें इनका ये यही अवतार इसी सीक्वल में दिखा सकता है और फिर एक बार सलमान खान अपने इस लुक और परफॉर्मेंस से ऑडियंस का दिल जीत लेंगे। बात करें तेरे नाम 2 मूवी की तो ये भी एक रोमांटिक मूवी होने वाली है जिसमें हमें एक अलग स्टोरी देखने को मिलने वाली है। तेरे नाम के लास्ट सीन में हमने देखा था कि जिस लड़की से सलमान प्यार करते हैं वो सुसाइड कर लेती है और सलमान फिर से अपने माइंड खो बैठते हैं। अब इसके सेकेंड पार्ट में हमें इसका कंटिन्यूएशन देखने को नहीं मिलेगा। मेकर्स का कहना है कि इस बार एक ब्रांड न्यू स्टोरी देखने को मिलने वाली है। डायरेक्टर का कहना है कि इस मूवी की स्क्रिप्ट तैयार हो गई है। ये मूवी एक गैंगस्टर पर बेस्ड होगी। हमें इस बार भी तेरे नाम मूवी के एक जैसे एक इमोशनल लव स्टोरी देखने को मिल सकती है। वेल स्टोरी जो भी हो, ये बात तो पक्की है कि ऑडियंस इसको काफी ज्यादा पसंद करने वाली है। तेरे नाम 2 मूवी के अनाउंसमेंट डायरेक्टर सतीश कौशिक ने एक इंटरव्यू में किया था। सतीश और सलमान खान का बॉन्ड काफी अच्छा है। इन दोनों ने भारत मूवी में भी काम किया था जिसमें हमें सलमान के साथ और भी कई पॉपुलर एक्टर्स जैसे कैटरीना कैफ, दिशा पाटनी, सुनील ग्रोवर और तब्बू मेन लीड में देखने को मिले थे और ये मूवी भी ऑडियंस को काफी ज्यादा पसंद आई थी। तेरे नाम मूवी तेलुगु मूवी सेतु की रीमेक थी। अब ऑडियंस ये जानना चाहती है कि क्या इसका सेकेंड पार्ट भी किसी का रीमेक होने वाला है। तो आपको बता दें कि इस मूवी के रीमेक होने के बहुत चांसेस हैं क्योंकि सतीश कौशिक ज्यादातर मूवीज रीमेक ही बनाते हैं और अब वो तेरे नाम 2 के लिए एक यूनिक लव स्टोरी दिखाने वाले हैं जो शायद किसी तेलुगु या तमिल मूवी की रीमेक होगी। वेल मूवी रीमेक हो या ओरिजिनल, तेरे नाम ऑडियंस को काफी ज्यादा पसंद आई थी और अब हम यही उम्मीद करते हैं कि व्यूअर्स को इसका सीक्वल भी पसंद आए।